मैच हार गए हम लोग, लेकिन मजा आया। लेकिन हाँ साकिब भाई, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? हार गए भाई साहब। आज जा रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेलने फुल गर्मी में, तो ये भी लोग बहुत मजे का होने वाला है। ठीक है, पहला मेरा भी लोग है कि मैं क्रिकेट के ऊपर भी लोग बनाने जा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आती। जीशान भाई ने प्रैक्टिस की है 3-4 दिन, ठीक है, मैं 3-4 दिन बिजी था, तो देखते हैं भाई आज कितना मजा आता क्रिकेट खेलेगा। ये देखें भाई, बिल्लियां भी बेचारी हैं पंखे के नीचे आके बैठी हुई हैं, क्योंकि बाहर इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इंजीनियर सिंबू, व्हाट इज योर साइज? एल साइज। ये भाई है डबल एक्सएल, डबल एक्सएल, एक्सएल, एक्सएल जो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी अपनी टीम शर्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मेरा साइज है एक्सएल, और ये अपनी टीम के सारे प्लेयर्स इकट्ठे हैं यहाँ पे, सारे शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने 11 प्लेयर, और अभी दूसरी टीम का मैच हो रहा है, इसके बाद हमारा मैच हो रहा है। अपने जीशान भाई भी तैयार हो गए, ठीक है, ये भी हमारी टीम के प्लेयर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं साजिद रहमान, एंड खुश आमदीद आपको एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने देखा भी, आज क्रिकेट हो रही है, ठीक है, और ये जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ सऊदी अरेबिया में, वही कंपनी क्रिकेट करवा रही है और इसको स्पॉन्सर कर रहा है आरामको, ठीक है। आरामको का मेरा ख्याल कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको नहीं पता होगा, तो इंशाल्लाह आपको आज के व्लॉग का मज़ा आएगा कि यहाँ पर हम लोग अपना जुमे का दिन परदेसी भाई कैसे गुजारते हैं। ये देखें भाई, टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है, ओपनिंग सेरेमनी के लिए ये सारी टीमें खड़ी हो गई हैं, ठीक है, ये देखें ग्रीस के दोनों तरफ, ठीक है, और ये हम भी इधर खड़े हो गए हैं, ये हमारी टीम के प्लेयर हैं भाई, सिंह भाई, और ये इधर भी, ठीक है सारे, और ये बलून्स आ गए, ठीक है, पूरा एक प्रॉपर जो है इंतजाम किया माशाल्लाह इन्होंने, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई, ये मैंने अपना ले लिया अपने हिस्से का, ठीक है भाई, और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है, माशाल्लाह। हमारा नंबर आ गया अभी फील्डिंग का, बैटिंग हमने किया ना, हमसे बनी है 6 ओवर में 50 रन, ठीक है, और पहली बॉल की हमारे बॉलर ने तो पहले कैच कीपर ने पकड़ लिया माशाल्लाह। A few moments later. मैच खत्म हो गया और अभी अपनी बस तैयार हो गई, ठीक है, ये जाने के लिए और इनकी रिफ्रेशमेंट के लिए हमने केक वगैरह खाना। साकिब भाई कौन सी है इधर, ये केक वगैरह इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक एक करके, ठीक है, शर्ट छोड़ के जाओ। शाम का टाइम हो गया और सब टीमें चली गई हैं और ये ग्राउंड देखिए इस टाइम खाली हो गया, पूरा आज का दिन हमने यहाँ पे गुजारा है, और रिफ्रेशमेंट के लिए जूस वगैरह चले हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, और कुछ हमने केक रखे हुए इधर देखें, ये अपने खाने के लिए, ठीक है, बाकी लोगों का हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अच्छा भाई, हम लोग जो है ना अपना मैच तो हार गए थे, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह पूरा मनोरंजन हुआ है, मज़ा आया माशाल्लाह, और ये साकिब भाई अभी जूस लेके आ रहे हैं भाई, ज़बरदस्त शापर में बहुत बड़ा भाई, अच्छा वो और भी जीशान भाई भी लेके आ रहे हैं जूसों का पूरा भरा हुआ शापर, ज़बरदस्त। लेकिन जीशान भाई सच बताना मज़ा आया? मज़ा तो आखिरी था, ज़बरदस्त आखिरी मैच हम हार गए हैं, लेकिन मज़ा आया। हाँ साकिब भाई, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? हार गए हैं, देखिए साकिब भाई का क्या हाल हुआ, देखिए गर्मी से क्या हाल हुआ था यार। जी चाचा जी जा रहे हो, ठीक है जी, मुबारक है मुबारक है, तुम जीत गए हो, ये वाले जीत गए थे भाई, ये टीम वाले, ठीक है ठीक है, ओके। ये एक अपने सार भाई जो हमारी टीम के कैप्टन थे, ये देखिए अंदर बैठ के ना धड़ा धड़ खाते जा रहे हैं बस, ये देखें पूरी ट्रे रखी हुई आगे, और ये एक ट्रे है हमारे पास बिस्किट की, क्योंकि अभी हम निकलने लगे हैं। गर्मी से बुरा हाल हुआ आज यार, बड़े अरसे के बाद इस तरह क्रिकेट खेली है, लेकिन माशाल्लाह मज़ा आया, ठीक है, एक जुमे का दिन ही होता हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज का। भाई बोला जूस साकिब भाई, ये एक केक देना मुझे, ये वाला, ये जूस देना यार, ये वाला केक भाई मेरा फेवरेट फ्रूट केक, निकाल दो एक जूस पीने के लिए, जूस दे दो। वेलकम टू दी व्लॉग, जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ जुमे वाले दिन व्लॉगिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होता है जुमे का दिन, बाकी सारे दिन तो मैं ड्यूटी करता हूँ और एक दिन फ्री होता है, ठीक है। तो
पिछले जुमे हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, गर्मी इतनी है पहले तो यार, गर्मी ऐसी है जैसे आग बरस रही हो। तो पिछले जुमे भी हमारी हालत गर्मी से वहाँ ख़राब हो गई थी क्रिकेट ग्राउंड में, और जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं वो वैसे भी हमारे शहर से तकरीबन ग्राउंड जो है ना एक घंटे का सफ़र है, यानी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे वो ग्राउंड है। जुमे वाले दिन इस तरह सऊदी अरेबिया में रोड देखने को मिलते हैं भाई, कोई आपको इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता रोड्स पे, और ख़ास तौर पर जुमे से पहले और जुमे से लेके असर टाइम तक। ये देखें ये सारे रोड खाली हैं इस तरफ भी, और ये देखें जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैं एक अपने शहर के अंदर से गुजर रहा हूँ अभी, ये कोई बाहर वाला रोड नहीं है, ये जद्दा हाईवे है, ठीक है, ये मेरे शहर से सीधा जद्दा को जाता है वाला रोड। अच्छा भी हमने आधा सफ़र कर लिया अपने घर से क्रिकेट ग्राउंड तक का, तो डीजल डलवाने वाला रहता था, ठीक है, तो क्योंकि वापसी भी हमने जाना है अपने घर को, तो यहाँ से डीजल डलवा लेते हैं, कितना भी डीजल वो डीजल उधर हो गया, मैं गलत आ गया हूँ, मैं फिर वापस जाना पड़ेगा इस तरफ को। ये पेट्रोल है, ठीक है, इस तरफ ये जो 91 और 95 लिखा हुआ है ये पेट्रोल की कैटेगरी है, और वो सामने जो बड़े बड़े ट्राले खड़े हैं इस तरफ है डीजल। यहाँ पे देखिए अरबी में डीजल को डीजल बोलते हैं, ठीक है, दाल से टैंकी फुल होने के बाद भी तकरीबन 5-6 हज़ार का डीजल डाल गया ऊपर, अभी फुल हुआ है 45 हज़ार का। डीजल डलवाने के बाद यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन में मैंने सोचा कुछ खाने पीने के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तो भूख लग जाती है, हमने शाम तक वहाँ पे स्टे करना। तो ड्रिंक्स में मैं लूँगा यहाँ पे एक होता है कोल्ड रेड जो है ना, एक एनर्जी ड्रिंक होता है, अच्छा रहता है वो पी लो, तो एक तो सुस्ती नहीं पड़ती, बंदा चुस्त रहता है। यहाँ पे एक सिंगल फ्रीजर है, इसमें सारे एनर्जी ड्रिंक रखे हुए हैं, जैसे रेड बुल है, ठीक है, पावर आर्स, और ये सारे एनर्जी ड्रिंक हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, रेड बुल की निस्बत और पावर आर्स की निस्बत ये सस्ता है। और कुछ ले लेते हैं, एक ये वाला बिस्किट ले लेते हैं भाई, ये भी अच्छा रहता है, गंदम वाला, और चिंगम भी चाहिए, चिंगम। अच्छा ये वाली बबल हम बचपन में बहुत खाया करते थे भाई, डिंग डोंग, 1 2 3 4 5 ये वाली ले ली, और बिस्किट हो गया, और ये साथ में एनर्जी ड्रिंक हो गया। बहुत गर्मी है यार, सिर्फ गाड़ी से निकल के ये शॉप तक गया हूँ, और हवा इतनी चल रही है, हवा से गर्मी तो कम लगती है लेकिन सर दर्द होने लग जाती है। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पे ग्राउंड में इतनी हवा चल रही थी, और उसके बाद जब हम खेलने के बाद वापस आ रहे थे तो इतनी सर दर्द हो रही थी, शदीद किस्म की सर दर्द हो रही थी। तो चले अभी निकलते हैं भाई अपने ग्राउंड के लिए। ये देखें भाई माशाल्लाह हम लोग अभी अपने जो क्रिकेट ग्राउंड के पास आ गए हैं, और व्यू देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये दोनों तरफ नारियल के जो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं, और इस तरफ है बीच माशाल्लाह। हमारी टीम का बॉलर आ गया, ठीक है, हमने बनाए 120 रन 6 ओवर में। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। शाबाश भाई, ये मुखालिफ टीम के प्लेयर जो ओपनर हैं ना वो आए गए हैं। शाबाश माशाल्लाह मैच हम लोग जीत गए आज, ठीक है, पिछली बार तो हम लोग हार गए थे तो हारने का बहुत दुख था, ठीक है, काफ़ी सारी टीमें आई हुई थी और फर्स्ट डे था हमारे टूर्नामेंट का, लेकिन आज जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह मैच, और मैच जीतने के बाद यहाँ पे पढ़ी हमने असर की नमाज़, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरती वो ये है कि आप किसी भी कोने में चले जाएँ सऊदी अरेबिया के, आपको मस्जिद माशाल्लाह मिली जाती है। तो असर की नमाज अदा की है, और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, इस टाइम सूरज ग्रूब होने वाला, ठीक है।